गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। कहने के लिए तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये वीडियो सेशन होगा, लेकिन इसमें जो वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चन को भी हल करने में काफ़ी मदद करेंगे। इसके साथ साथ ये आपको लैंग्वेज समझने में भी काफी मदद करेंगे। वर्ड अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप एक ही तरह के वर्ड से आप कई तरह के प्रॉब्लम को आप हल कर सकते हैं। जैसे वर्ड रिलेटेड अगर हम एसएससी के एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं तो एक बार इसको ब्रीफ में समझ लिया जाए। वर्ड रिलेटेड हमारे कौन कौन से सवाल होते हैं जो डायरेक्ट वर्ड से कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहले बात कर रहे हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हम यहां पर बात करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि डायरेक्ट वर्ड से हमें किन किन प्रॉब्लम को हल करने में मदद मिलेगा, तो एक हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि हमारा वीडियो सेशन जिस पर आधारित होगा। सेकेंडली हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के भी सवाल को इसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स होते हैं हम उनके मदद से कर सकते हैं। इसके बाद जो होते हैं क्या कहते हैं उसको, रैपिड फिलर टेस्ट, आप इसको ऐसे समझिए रैपिड फिलर टेस्ट होते हैं, मतलब उसमें आपको भरने के लिए दिया जाता है, वो भी वर्ड रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। चार ऑप्शन दिए रहते हैं जैसे कि कोई क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना, और बीच में आपको भरने के लिए कोई स्पेस दे दिया गया और इसमें चार ऑप्शन दिए गए, तो आप इन प्रश्नों को तभी हल कर सकते हैं जब आपको दिए गए ऑप्शन के वर्ड आपको मालूम हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात है ना वो है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट भी वर्ड पावर डिमांड करता है, यानी कि अगर आपके वर्ड पावर अगर आपके अच्छे रहेंगे क्लोज टेस्ट बनेंगे। इसके बाद हम आते हैं स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है ना, जो मिस स्पेल्ड जो होते हैं ना ये भी वर्ड रिलेटेड होते हैं। अगर आपके पास वर्ड अगर अच्छा है, आप उसके स्पेलिंग को बेहतर जानते हैं, तो आप ये मिस स्पेल्ड का जो चीज है ना आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जानने से केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही नहीं, इन बाकी सबको हल करने में आपको मदद मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डील किए गए हैं। चलिए हमारा जो सबसे पहला वर्ड होगा वो होगा ईव। देखिए ईव क्या होता है, पहले आज का हमारा जो सबसे फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा ईव। ईव क्या होता है, देखिए किसी खास दिन के जो एक दिन पहले वाला दिन होता है ना वो ईव कहलाता है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द डे बिफोर, इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, द डे बिफोर एन इंपॉर्टेंट डे या इवेंट हम ले सकते हैं, ठीक है ना। किसी खास दिन, किसी महत्वपूर्ण दिन के ठीक एक दिन पहले वाला जो दिन होता है ना वो ईव कहलाता है ना, जिसको हम हिंदी में अगर कहें तो वो संध्या काल के सेंस में उसको समझा जाता है। किसी खास दिवस के ठीक पहले वाला जो दिन होता है ना वो आपका ईव कहलाता है। जैसे कि देखिए हमारा रिपब्लिक डे क्या होता है, 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है, ठीक है ना, हमारा रिपब्लिक डे जो डे है वो 26 जनवरी को है। अब इसके ईव क्या हो जाएंगे, 25 जनवरी जो हो जाएंगे ना वो इसके ईव हो जाएंगे, ठीक है ना। 25 जनवरी जो होगा वो ईव होगा किसका, रिपब्लिक डे का, है ना, ईव ऑफ रिपब्लिक डे हम ऐसे समझेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति क्या होते हैं कि ये 25 जनवरी के शाम को देश को संबोधित करते हैं। अगर हम यही बात लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, द प्रेसिडेंट एड्रेस्ड द नेशन, एड्रेस मतलब संबोधन करना, ठीक है ना, एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ, ठीक है ना, रिपब्लिक डे, आप ऐसे समझे। यानी कि रिपब्लिक डे के संध्या काल पर, है ना, ईव उसके एक दिन पहले वाला जो दिन होता है और खासतौर पर उसका जो शाम का समय होता है ना वो ईव कहलाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ होली के दिन तो होली होता है, लेकिन होली के एक दिन पहले जो होता है होलिका दहन होता है, तो होलिका दहन को हम क्या कह सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में कहना है, होलिका दहन के लिए तो कोई खास अंग्रेजी है नहीं, लेकिन हम इसको कह सकते हैं क्या, ऑन द ईव ऑफ, ठीक है ना, ऑन द ईव ऑफ होली, ये होली के एक दिन पहले वाला दिन होता है। तो किसी खास दिवस के जो एक दिन पहले वाला दिन होता है ना वो ईव होता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बात को लेकर चलते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है एक्सर्प्ट। हमारा सेकंड जो वर्ड है ना वो है एक्सर्प्ट। अब हमें देखना है कि एक्सर्प्ट क्या होता है, थोड़ा सा एक्सर्प्ट को हम लोग देख लेते हैं, एक्सर्प्ट क्या होता है। देखिए किसी
पैसेज का, किसी किताब का या किसी चीज का जो एक टुकड़ा या अंश होता है ना, उसका एक्सर्प्ट कहलाता है। एक्सर्प्ट को हम लोग कैसे तोड़ के लिखेंगे, ए पैसेज, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, ए पैसेज टेकन फ्रॉम ए बुक या एटसेट्रा, कोई स्पीच का हो सकता है, कोई इंटरव्यू का हो सकता है, जो टुकड़ा होता है ना वो एक्सर्प्ट कहलाता है। इसका हम अगर हिंदी कहें तो अंश या भाग, जैसे कि कोई इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू तो काफी लंबा समय तक चला लेकिन उसके मुख्य अंश पेपर में छपते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, एक्सर्प्ट ऑफ स्पीच, है ना, एक्सर्प्ट ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच भाषण का अंश या भाषण का भाग को हम एक्सर्प्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो किसी किताब का जो एक पैसेज होता है, या किसी, जैसे कि हम लोग जनगण, सॉरी, जैसे कि वंदे मातरम बहुत बड़ा है लेकिन उसका हम लोग 4 लाइन या 6 लाइन गाते हैं तो वो क्या होता है, वो वंदे मातरम का एक्सर्प्ट होता है। तो एक्सर्प्ट एक बहुत बढ़िया वर्ड है जिसका अर्थ होता है अंश या भाग, ठीक है ना। चलिए हम लोग थर्ड वर्ड की ओर आते हैं। हमारा जो थर्ड वर्ड है वह एक्ज्यूम। देखिए एक्ज्यूम का मतलब क्या होता है, एक्ज्यूम बहुत ही अच्छा वर्ड है। एक्ज्यूम का मतलब क्या होता है कि आप डेड बॉडी को, ठीक है ना, ग्राउंड से निकालते हैं, यानी कि गड़े मुर्दा उखाड़ना, ठीक है ना। एक्ज्यूम क्या होता है, टू रिमूव, इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, टू रिमूव, ठीक है ना, ए डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ना। यानी कि एक डेड बॉडी को जमीन से निकालने की जो प्रक्रिया होती है वह एक्ज्यूम कहलाता है। एक्ज्यूम का हिंदी क्या हो जाएगा, गड़े मुर्दा उखाड़ना, ठीक है ना। जैसे कि कभी कभी इंस्पेक्शन, पुलिस इंस्पेक्शन के लिए क्या होता है, अब बॉडी को दफना देते हैं, लेकिन कोई मैटर जब सामने आता है तो फिर पुलिस को वो बॉडी निकालना पड़ता है, तो पुलिस क्या करती है, बॉडी को एक्ज्यूम करती है, ठीक है ना। एक्ज्यूम का मतलब क्या होता है कि ग्राउंड से ना डेड बॉडी को वापस लाना, तो ये गड़े मुर्दा उखाड़ना, एक्ज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए अगला हम लोग वर्ड चलते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड एक्सोडस। एक्सोडस क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये सारे वर्ड जो है ये वन वर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए एक्सोडस का मतलब क्या होता है कि एक मास, एक समूह द्वारा, है ना, किसी जगह को खाली कर देना, किसी जगह से चले जाना, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे इसको, तोड़ के लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, लिविंग ए प्लेस बाय मेनी पीपल एट द सेम टाइम। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि एक ही समय पर, ठीक है ना, एक ही समय पर बहुत सारे लोगों द्वारा किसी जगह से चले जाना, इसको एक्सोडस कहते हैं। जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो एक्सोडस का हिंदी क्या हो जाएगा, पलायन, और भारी संख्या में लोग पलायन करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई महामारी फैल जाती है, गांव का गांव खाली हो जाता है, तो गांव में लोग क्या होते हैं, एक्सोडस करते हैं, ठीक है ना। एक्सोडस का एंटो क्या होगा, पहले एक्सोडस का पहले हिंदी कर लेते हैं। एक्सोडस का हिंदी हो जाएगा पलायन, लेकिन भारी संख्या में पलायन होते हैं, ठीक है ना। इसका एंटो क्या हो जाएगा, भारी संख्या में आगमन, तो इसका एंटो हो जाएगा, ठीक है ना, इनफ्लक्स क्या होता है वो, है ना, एक्सोडस, एक्स मतलब बाहर निकल जाना, इन का मतलब अंदर आना, यानी कि भारी संख्या में आने को क्या कहते हैं, इनफ्लक्स, ठीक है ना। इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, भारी संख्या में आना, ठीक है ना। अगर आप भारी संख्या में कहीं आते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्सोडस करते हैं, भारी संख्या में आगमन जो होता है वो इनफ्लक्स कहलाता है, और भारी संख्या में चले जाना एक्सोडस कहलाता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट, जो फिफ्थ जो वर्ड है वो है एक्सरसाइज। अब हम आगे आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि किसी के शरीर से, है ना, बुरी आत्मा निकाल देना, ठीक है ना, किसी के बॉडी से बुरी आत्मा को निकाल देना एक्सरसाइज कहलाता है। भूत प्रेत भगाना, इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, टू रिमूव, इसको हम कैसे लिखेंगे, टू रिमूव, ठीक है ना, एन इविल स्प्रिट, इसको सिंपल भाषा में समझिए, भूत भगाना एक्सरसाइज कहलाता है। अगर आप कहीं कोई चीज एक्सरसाइज करते हैं तो उस जगह से या उस बॉडी से आप इविल स्प्रिट को भगाते हैं। चलिए इसके बाद हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है, एक्सपेडिशन। चलिए एक्सपेडिशन क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेडिशन को समझा जाए, ठीक है ना। एक्सपेडिशन क्या होता है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है ना कि आप किसी जगह को खोजने के लिए निकलते हैं,
ठीक है ना, जो आप एक जर्नी करते हैं ताकि आपको कोई जगह मिल सके, कोई जगह के तलाश में आप हैं, ठीक है ना। एन ऑर्गेनाइज, इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी, ठीक है ना, एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी, ठीक है ना, टू फाइंड आउट ए प्लेस, टू फाइंड आउट ए प्लेस, ये कहलाता है एक्सपेडिशन, ठीक है ना। एक्सपेडिशन का आप हिंदी क्या लिखेंगे, अभियान या खोज, अभियान या खोज। जैसे वास्को डिगामा क्या भारत के खोज अभियान पर निकला, ठीक है ना, तो उसका क्या था, उसका जो अभियान था, ये खोज था, वो क्या कहला, एक्सपेडिशन कहलाया। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं नंबर सेवन की ओर। नंबर सेवन हमारा जो वर्ड है वो है एक्सपंज। देखिए एक्सपंज, एक वर्ड एक्सपंज है, थोड़ा आप इसको समझिए, एक वर्ड एक्सपंज है और एक वर्ड है एक्सपर्जेट, ये दो बहुत ही टिपिकल वर्ड है। चलिए पहले हम लोग एक्सपंज को देखते हैं, ठीक है ना। एक्सपंज का मतलब क्या होता है, किसी लिस्ट से, किसी किताब से, ठीक है ना, किसी का नाम हटा देना। कैसे इसको लिखेंगे, टू रिमूव, टू रिमूव ए नेम फ्रॉम ए बुक, फ्रॉम ए बुक या लिस्ट एटसेट्रा, ठीक है ना, नाम हटाना। एक्सपंज, अगर आप किसी के नाम को अगर आप एक्सपंज करते हैं तो किसी किताब से, किसी लिस्ट से, है ना, या कहीं से किसी का नाम हटा देते हैं, तो इसका सिंपल अगर हिंदी कहते हैं नाम हटाना। जैसे कि हमको कहना है कि एफआईआर से उसका नाम हटा दिया गया, ठीक है ना, एफआईआर से उसका नाम हटा दिया गया, हमको ऐसा कहना है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, हमको कहना है कि एफआईआर से, ठीक है ना, उसका नाम हटा दिया गया। चलिए अब इसको नाम हटाने के लिए रिमूव के जगह पर हम बढ़िया जो वर्ड होगा एक्सपंज होगा, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, हिज नेम वाज, हिज नेम वाज एक्सपंज्ड फ्रॉम द बुक, हिज नेम वाज एक्सपंज्ड फ्रॉम द बुक। एक्सपंज का मतलब होता है नाम हटाना। चलिए हमारा अगला जो वर्ड मैं लेके चला था वो था एक्सपर्जेट। देखिए एक्सपर्जेट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्जेट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सपर्जेट का मतलब होता है कि टू रिमूव, इसको हम ऐसे लिखेंगे, टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, है ना, फ्रॉम ए बुक। इसका हिंदी क्या निकलेगा, ठीक है ना, कि किसी किताब से, किसी किताब से आपत्तिजनक, है ना, आपत्तिजनक बात को हटाना, ये एक्सपर्जेट कहलाता है, ठीक है ना। अगर आप कोई किताब से कोई आपत्तिजनक बात हटाते हैं, नाम नहीं, नाम के लिए तो एक्सपंज है, नाम हटा दिए किसी किताब से, है ना। अब जो इसे आधुनिक भारत के बहुत सारे किताब आ रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का नाम हटाया जा रहा है, ठीक है ना, काल्पनिक बात है, आप इसको काल्पनिक समझिए। तो उसके नाम को क्या किया जा रहा है, एक्सपर्जेट किया जा रहा है, एक्सपंज किया जा रहा है। एक्सपर्जेट का मतलब क्या होता है कि किसी किताब से आपत्तिजनक बात हटाना, तो एक्सपर्जेट को अगर शाब्दिक अर्थ लिखा जाए तो आपत्तिजनक बात हटाना, ये इसका हिंदी होगा। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। एक्सपर्जेट के बाद हमारा जो नाइन नंबर है, देखिए इसमें एक वर्ड हमें पढ़ना है, एक्सटेम्पोर, है ना। हमारा अगला वर्ड एक्सटेम्पोर, आप ऐसा समझिए, हमारा अगला वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई काम को अगर आप एक्सटेम्पोर करते हैं तो आप धारा प्रवाह करते हैं, बिना तैयारी का करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आया, खटाखट लिखने लगा, खटाखट लिखने लगा, अब उसका जो राइटिंग कौन सा राइटिंग हो गया, एक्सटेम्पोर राइटिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने एक्सटेम्पोर राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, मतलब तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, बिना तैयारी के आते हैं और खटाखट लिखना शुरू करते हैं। एक्सटेम्पोर को कैसे लिखेंगे, डन या सेड, देखिए तोड़ के कैसे लिख रहा हूं, विदाउट, ठीक है ना, विदाउट विदाउट, आप ऐसे समझें, इसको हम ऐसे लिखेंगे, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है ना, जो बिना तैयारी का किया जाए, ठीक है ना, तो बिना तैयारी का या धारा प्रवाह, बिना तैयारी का, छोटे शब्दों में लिखे तो धारा प्रवाह। अब जैसे कि कहने का मतलब है कि एक्सटेम्पोर, देखिए एक्सटेम्पोर राइटिंग कौन सा राइटिंग हुआ, ये वैसे राइटिंग होते हैं जो बिना तैयारी के लिखे जाते हैं, धारा प्रवाह लेखन। या कोई व्यक्ति आया, खटाखट बोलने लगा, खटाखट भाषण देने लगा, तो वो कौन सा स्पीच होगा,
वो होगा एक्सटेम्पोरी स्पीच। चलिए एक्सटेम्पोर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला वर्ड होता है, देखिए कई तरह के वर्ड हैं, एक्सटर्मिनेट। हमारा अगला वर्ड है एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट। अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या होता है। देखिए एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है ना कि किसी व्यक्ति, ठीक है ना, किसी जाति किसी धर्म के लोगों का समूल नाश कर देना एक्सटर्मिनेट कहलाता है। यानी कि किसी जाति, आप ऐसे समझिए कि किसी जाति है ना या किसी धर्म के सभी लोगों को मार देना एक्सटर्मिनेट कहलाता है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, टू किल, टू किल ऑल पीपल, आप ऐसे समझिए ऑल पीपल, ठीक है ना, ऑफ ए रिलीजन, ऑफ ए रिलीजन या कास्ट, ठीक है ना, किसी धर्म के या किसी जाति के समस्त लोगों को मार देना क्या कहलाता है, एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का अगर सरल अगर हिंदी लिखें तो इसका हिंदी लिखेंगे नरसंहार करना, थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखिए ये जो नरसंहार करने वाली बात है ना, ये किसी खास धर्म और जाति पर ये सीमित है। किसी भी धर्म या जाति के लोगों को मार देना एक्सटर्मिनेट कहलाता है। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें तो एक हम वाक्य लेके चलते हैं, परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया, संहार कर दिए, चलिए संहार कर दिए, परशुराम 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिए, हम ऐसा वाक्य लेके चलना है। चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, परशुरामा, परशुरामा। अब किल नहीं लिखेंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन को लिया गया, केवल क्षत्रिय, उनका जो बैर था ना वो क्षत्रियों से था। तो चलिए परशुरामा कैसे लिखेंगे, किल की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्सटर्मिनेटेड, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, एक्सटर्मिनेटेड क्षत्रियास, क्षत्रियास है ना, 21 टाइम्स। चलिए तो ये था, ये एक्सटर्मिनेट का यूज रहा। देखिए इससे रिलेटेड दो वर्ड जानिए आप, रिलेटेड वर्ड भी कुछ हम लोग देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए एक होता है जीनोसाइड, देखिए एक्सटर्मिनेट क्या था, वर्ब था, और जीनोसाइड नाउन है। जीनोसाइड का मतलब होता है कि खास धर्म के लोगों का हत्या करना जीनोसाइड कहलाता है, खास धर्म के लोगों का हत्या करना जीनोसाइड होता है। तो जीनोसाइड का मतलब होता है किसी खास जाति या धर्म के लोगों का हत्या जो होता है वो जीनोसाइड होता है, पहले आप ऐसे समझे, ठीक है ना। ये जीनोसाइड क्या होता है, किसी खास धर्म या जाति के लोगों का हत्या होता है। अब ये देखिए एक्सटर्मिनेट क्या था, वर्ब था, लेकिन अगर हमें जीनोसाइड अगर नाउन के रूप में कहना है तो वो वर्ड है जीनोसाइड। चलिए एक होता है होमिसाइड, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड क्या होता है भाई, सीआईडी, थोड़ा सा इसको सुधार दिया जाए, चलिए लेते हैं होमिसाइड, साफ साफ ले लेते हैं होमिसाइड। देखो होमिसाइड का मतलब क्या होता है, होमिसाइड नाउन है, इसका मतलब होता है इसमें जाति धर्म नहीं होगा, इसमें मानव की हत्या, होमी का मतलब मानव होता है, आप ऐसे समझिए, रूट वर्ड बजाइएगा तो इसका मतलब मानव से है। तो इसमें खास धर्म या जाति के जब हम बात करेंगे तब उसके लिए है जीनोसाइड, लेकिन जब हम मानव की सिर्फ बात करेंगे तो वहां होगा होमिसाइड। जैसे कि देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो वहां हिंदुओं का क्या हो रहा है, जीनोसाइड हो रहा है, होमिसाइड नहीं। लेकिन किसी भी देश में जैसे कि आम लोगों को मारा जा रहा है तो वहां वर्ड क्या होंगे, होमिसाइड। तो होमिसाइड का मतलब होता है लोगों की हत्या, यहां जाति या धर्म की बात नहीं होगी, लोगों की जो हत्या होगी वो आपका होमिसाइड होगी। चलिए हम लोग आगे बात को लेकर चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है फैक्सिमिली। हम लोग जो नेक्स्ट जो वर्ड लेके चल रहे हैं वह है फैक्सिमिली। चलिए फैक्सिमिली का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए किसी चीज का हूबहू जो कॉपी होता है, हूबहू जो नकल होता है ना वो फैक्सिमिली कहलाता है। फैक्सिमिली को हम कैसे लिखेंगे, एग्जैक्ट कॉपी, अगर तोड़ के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एग्जैक्ट कॉपी किसी चीज का होता है तो वो फैक्सिमिली होता है। इसको हम कह सकते हैं हूबहू, हूबहू या नकल, या नकल होता है, ठीक है ना। जैसे कि होता है फैक्सिमिली सिग्नेचर होता है, फैक्सिमिली सिग्नेचर का मतलब कैसा सिग्नेचर होगा, है ना, जो हूबहू जो सिग्नेचर किया होगा उसको कहते हैं फैक्सिमिली सिग्नेचर। चलिए हम लोग आगे बात को लेकर चलते हैं तो हमारा अगला वर्ड है फैलोलैंड। देखिए फैलोलैंड कैसा भूमि होता है,
फैलो लैंड कैसा भूमि होता है? यह वैसा भूमि होता है जिस पर हल तो चलाया जाता है लेकिन अभी बीज नहीं बोया जाता है, ठीक है ना। कुछ समय के लिए उर्वरता प्राप्त करने के लिए भूमि को जोत के छोड़ दिया जाता है, वो भूमि कहलाती है फैलो लैंड, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? लैंड दैट इज, कैसे इसको तोड़ के लिखेंगे? दैट इज प्लॉड, जिस पर हल तो चलाया गया है, प्लॉ मतलब हल जोता जाना, दैट इज प्लॉड बट नॉट कल्टीवेटेड। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि वो भूमि जिस पर हल तो चलाया गया है लेकिन अभी उस पर कृषि कार्य नहीं हुआ है। इसको छोटा अगर लिखना है तो लिख सकते हैं परती भूमि, अभी उस पर कोई फसल या बीज नहीं बोया गया है। चलिए हम लोग, ये फैलो लैंड क्लियर है मैं समझता हूं, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो फैलो लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग लिखते हैं फैटल। देखिए फैटल का मतलब क्या होता है? जो प्राण ले ले, जो डेथ ला दे, जो मृत्यु ला दे। देखिए घातक के लिए तीन अंग्रेजी है, एक है फैटल, एक है आपका डेडली और एक लीथल। पहले आप ऐसा समझा जाए, तीनों का अर्थ एक ही है, ये तीनों एक ही अर्थ को शो करते हैं, लेकिन जिसमें प्राण वाली बात आ जाए वह फैटल। अगर ऑप्शन दे दे है ना, रिजल्टिंग इन डेथ, अगर कोई ऐसा अगर वन वर्ड आ जाए रिजल्टिंग इन डेथ, जो आपका प्राण ले ले, जो डेथ में आपको बदल दे, तो उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? तो ये सबके मतलब है, सबका हिंदी है घातक, आप ऐसा समझिए सबका मतलब है घातक, लेकिन अगर जिसमें डेथ वाली बात आ जाए वो होता है फैटल। तो फैटल का मतलब क्या होता है? घातक। इसको सरल शब्दों में कहें तो इसके लिए वर्ड हम लिख सकते घातक, लेकिन घातक के लिए डेडली और लीथल भी है, लेकिन इसमें डेथ वाली बात नहीं है। जैसे कि अगर हमको कहना है कि वह घातक चोट से मर गया, घातक चोट से मर गया, हमको ऐसा लिखना है। अब देखिए हम मरने वाली बात है ना, तो ये मरने वाली बात के लिए डेडली ब्लो नहीं होगा, ठीक है ना, लीथल ब्लो नहीं होगा, वो होगा फैटल होगा। कैसे लिखेंगे? ही डाइड फ्रॉम, ठीक है ना, फैटल इंजरीज, फैटल इंजरीज, वो घातक चोट से मर गया। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो फैटल के बाद हमारा अगला वर्ड है फिग्राइन। हमारा अगला जो वर्ड है वह है फिग्राइन। देखिए फिग्राइन क्या होता है? ये छोटा सा ऐसा मूर्ति होता है, ठीक है ना, जो घर में डेकोरेशन के लिए रखा जाता है। वो मूर्ति वो आदमी का हो सकता है या जानवर का हो सकता है। कैसे लिखेंगे? ए स्मॉल स्टैचू, ए स्मॉल स्टैचू ऑफ ए मैन, ऑफ ए मैन या एनिमल, है ना, केप्ट फॉर डेकोरेशन, केप्ट फॉर डेकोरेशन, जिसको सजावट के लिए रखा जाता है वो होता है फिग्राइन। इसको लिख सकते छोटी अथवा लघु, लघु मतलब भी छोटा होता है, है ना, किसी चीज का लघु मूर्ति जो होता है जो घरों में रहते हैं डेकोरेशन के लिए, वो फिग्राइन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वह फ्लैजिलेट है ना, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह फ्लैजिलेट। देखिए फ्लैजिलेट का मतलब क्या होता है? किसी को चाबुक से मारना, ठीक है ना, धार्मिक सजा के तौर पर। अगर आप किसी को धार्मिक सजा के तौर पर किसी को चाबुक से मारते हैं तो आप उसको फ्लैजिलेट करते हैं। टू विप समवन, ठीक है ना, एज अ रिलीजियस पनिशमेंट, एज अ रिलीजियस पनिशमेंट, धार्मिक सजा के तौर पर, है ना। इसका जो शुद्ध अगर हिंदी कहें तो कोड़ा बरसाना, ठीक है ना, खासतौर पर सिख समुदाय में ऐसा होता है। अगर आप सिख समुदाय के अगर जो धार्मिक मान्यता के खिलाफ अगर काम करते हैं तो आपको एक तरह से अकाल तख्त से आपको फरमान आता है कोड़ा बरसाने का। और महाराजा जो रंजीत सिंह, जो पंजाब के राजा थे, ठीक है ना, उनको फ्लैजिलेट किया गया था, धार्मिक सजा के तौर पर कोड़ा बरसाया गया था, ठीक है ना, और ये लोग कोड़ा एक्सेप्ट करते भी हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, देखिए इसमें दो तरह के वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है फ्लॉन्ट, ठीक ना, अगर आप फ्लॉन्ट करते हैं तो आप किसी चीज को दिखलाते हैं ताकि लोग आपसे इंप्रेस हो सके, ठीक है ना। फ्लॉन्ट का मतलब होता है इतराना, अकड़ के चलना। अगर आप किसी चीज को फ्लॉन्ट करते हैं यानी कि आप उसको दिखलाते हैं ताकि लोग आपसे इंप्रेस हो सके। तोड़ के कैसे लिखेंगे? टू शो समथिंग, ठीक है ना, टू इंप्रेस पीपल, ठीक है ना, आप लोगों को, ठीक है ना, इंप्रेस करने के लिए जो दिखलाते हैं आप फ्लॉन्ट करते हैं। इसका शाब्दिक हिंदी क्या लिखेंगे?
तो इसका हिंदी लिखेंगे अकड़कर चलना, अकड़कर चलना अथवा इतराना, अथवा इतराना, ठीक है ना, अकड़कर चलना अथवा इतराना, ये फ्लॉन्ट का हिंदी हुआ। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, वो होगा फ्लोरा एंड फौना। देखिए दो तरह का वर्ड है, अब हम चलते हैं, एक वर्ड है फ्लोरा और एक वर्ड है फौना, इन दोनों को एक साथ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फ्लोरा क्या होता है, किसी जगह के जो टोटल जो पेड़ पौधे होते हैं वो फ्लोरा होते हैं, और किसी जगह के जो टोटल जो जीव होते, जंतु होते हैं ना, वो फौना होते हैं। फ्लोरा को कैसे तोड़ के लिखेंगे, ऑल द प्लांट्स, इसको कैसे लिखेंगे, ऑल द प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया, ठीक है ना, या टाइम, किसी पर्टिकुलर समय के या पर्टिकुलर एरिया के जो पेड़ पौधे जितने होंगे वो फ्लोरा कहलाएंगे। तो फ्लोरा का मतलब पेड़ से है और फौना का मतलब जंतु से है, ठीक है ना। फौना को कैसे तोड़ के लिखेंगे, ऑल द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर, ठीक है ना, एरिया या टाइम, ये जंतु से होंगे। तो जीव जंतु अगर हमें कहना है, एक साथ लिखना है, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते जीव जंतु, ठीक है ना, अगर हम एक साथ लिखते जीव जंतु, तो जीव जंतु का एक साथ अगर हम लिखते तो जीव को हम लोग फ्लोरा समझेंगे और जंतु के लिए वर्ड क्या है, फौना है। तो जीव जंतु के लिए एक वर्ड अगर हम लिखना चाहें तो हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा पेड़ को दिखलाएगा और फौना जो होगा वो जंतु को दिखलाएगा। तो इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी वृक्ष, ठीक है ना, ये हो जाएंगे आपके फ्लोरा हो जाएंगे। इसको आप मतलब पेड़, आप पेड़ समझिए, पेड़ पौधा समझिए, और ये आपका फौना हो गया, जीव जंतु जीव हो गया, मतलब कि जानवर हो गए। तो क्या लिखेंगे, क्षेत्र विशेष में तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले कुल जानवर, ठीक है ना, ये क्या कहलाएंगे, ये फौना कहलाएंगे। सरल भाषा में कहे तो जीव जंतु, और जीव जंतु के लिए एक वर्ड है फ्लोरा एंड फौना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये फ्लोरा एंड फौना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हमारा वर्ड है फ्लूक। देखिए फ्लूक क्या होता है, फ्लूक होता है जो कि अचानक आपको जो सफलता मिल जाती है, आपने उम्मीद नहीं किया था, और वो अचानक जो सफलता मिल जाती है ना, तो वो फ्लूक कहलाता है, ठीक है ना। फ्लूक एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसे लिखेंगे, ए लक्की थिंग, कोई अचानक आपके साथ कोई अच्छा घटित हो जाता है, ए लक्की थिंग, ठीक है ना, दैट, ठीक है ना, हैपेंस बाय चांस, दैट हैपेंस बाय चांस, ठीक है ना। इसको कहते हैं छोटा भाषा में अनायास सफलता, वो सफलता जिसको आपने उम्मीद नहीं किया था फिर भी वो आपको मिल गया। जैसे अगर मैच, अगर आप देखते हैं क्रिकेट मैच देखते हैं, अगर हमको कहना है, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना, केनिया ने भारत को हरा दिया। चलिए एक हम उदाहरण लेते हैं काल्पनिक तौर पर, केनिया तो अभी खेल नहीं रहा है, उदाहरण लेकिन पहले खेलता था, केनिया ने भारत को हरा दिया। अब कोई उम्मीद नहीं करेगा कि केनिया भारत को हरा देगा, लेकिन फिर भी अगर केनिया अगर भारत को हरा देगा तो उसका ये जीत को आमतौर पर क्या माना जाएगा, उसका जीत एक फ्लूक होगा। हम कैसे लिखेंगे, केनियाज विक्ट्री, ठीक ना, वाज जस्ट ए फ्लूक, आपने उम्मीद नहीं किया और आपने जीत गए, फिर अब अगले मैच में भारत आपको पटखनी जबरदस्त दे देगा, ठीक है ना। तो ये जो अनायास सफलता मिल जाती है ये फ्लूक कहलाता है। हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए तो फ्लूक एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब हम आगे चलते, देखिए फोर्टनाइट क्या होता है, चलिए फोर्टनाइट को थोड़ा सा देखा जाए। देखिए जो दो सप्ताह की अवधि होती है, एक सप्ताह की अवधि जो होती है वो वीकली होता है ना, वीक होता है। फोर्टनाइट क्या होता है, ए पीरियड ऑफ टू वीक्स, ठीक है ना, दो सप्ताह के पीरियड को हम लोग कहते हैं फोर्टनाइट। इसको आप कहिए पाक्षिक, ठीक है ना, या दो सप्ताह पर होने वाला, दो सप्ताह, ठीक है ना, पर होने वाला कोई भी चीज जो दो सप्ताह पर हो वो समझिए कि वो क्या होता है, वो आपका फोर्टनाइट होता है।
ठीक है ना, जो चीज दो सप्ताह पर हो वो चीज फोर्टनाइट होता है होने वाला। जैसे कि देखिए एक मैगजीन आता है आउटलुक, या मान लीजिए चलिए कि एक मैगजीन आता है फ्रंटलाइन। अब फ्रंटलाइन दो सप्ताह पर छपता है, तो फ्रंटलाइन कौन सा मैगजीन कहलाएगा? ये कहलाएगा फोर्टनाइट मैगजीन। फोर्टनाइट मैगजीन का मतलब क्या हुआ कि फोर्टनाइट मैगजीन का मतलब कि दो सप्ताह पर आने वाला मैगजीन। या हम कहते हैं फोर्टनाइट पेमेंट, तो फोर्टनाइट पेमेंट कितने दिनों पर पेमेंट किया जाएगा? दो सप्ताह पर। ये फोर्टनाइट बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। चलिए हम लोग आगे बात को लेकर चलते हैं, तो हमें मिलता है 40 विंग्स। 40 विंग्स क्या होता है भाई? चलिए 40 विंग्स क्या होता है, जो दिन में आप जो झपकी लेते हैं ना, ये कहलाता है 40 विंग्स। ठीक है ना, ए शॉर्ट स्लीप होता है जो कि डे के दौरान लिया जाता है। कैसे इसको तोड़ के लिखेंगे? ए शॉर्ट स्लीप टेकन, ठीक है ना, ड्यूरिंग द डे। ठीक है ना, ड्यूरिंग डे आप जो दिन के दौरान जो झपकी लेते हैं ना, ये कहलाता है 40 विंग्स। तो झपकी इसको सिंपल सा समझिए, दिन के दौरान, ठीक है ना, जो दिन के दौरान जो लिया जाता है झपकी, वो कहलाता है 40 विंग्स। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 40 विंग्स। हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं फोसिल, हमारा अगला वर्ड फोसिल। फोसिल क्या होता है? देखिए फोसिल क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे जो जानवर के अथवा प्लांट जो नीचे दब करके जो पत्थर बन जाते हैं वो फोसिल कहलाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीवाश्म। तो कैसे लिखेंगे? द रिमेन्स ऑफ, ठीक है ना, प्लांट्स या एनिमल्स, ठीक है ना, ये रिमेन्स होते हैं। ठीक है ना, ये प्लांट के रिमेन्स भी हो सकते हैं, ये एनिमल के रिमेन्स भी हो सकते हैं। कोयला वगैरह इसी से ना बनता है, यही फोसिल कोयला कहलाता है। विच हैव टर्न इंटू रॉक्स, ये कहलाते हैं फोसिल्स। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये फोसिल है साइंस में, तो आपको बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा। फोसिल का मतलब क्या हम लिखे तो जीवाश्म। फोसिल क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं फ्रेंचाइज। देखिए फ्रेंचाइज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। ये फ्रेंचाइज बहुत ही, इसको सी समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, है ना, जो मत देने का जो अधिकार होता है ना, वो फ्रेंचाइज कहलाता है। ठीक है ना, द राइट टू वोट, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? द राइट टू वोट, ठीक है ना, इन एन इलेक्शन, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं मताधिकार, इसको कहते हैं मताधिकार। ठीक है ना, फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? द राइट टू वोट इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में जो मत देने का अधिकार होता है ना, वो फ्रेंचाइज कहलाता है। अब मताधिकार देना, इसका भर्ब कैसे बनेगा? इसमें ईएन जोड़ करके, ठीक है ना, इसका भर्ब बनाया जा सकता है इन फ्रेंचाइज, है ना। तो इन फ्रेंचाइज में ईएन लगने से भर्ब आ गया, तो इसका हिंदी होगा मताधिकार देना। ठीक है ना, चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए फ्रेस्को क्या होता है, अब हम आगे चलते हैं फ्रेस्को, थोड़ा फ्रेस्को के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेस्को में क्या होता है कि अभी प्लास्टर अभी गीला है, ठीक है ना, प्लास्टर को गीला करके जो उस पर पेंटिंग किया जाता है ना, वो फ्रेस्को पेंटिंग कहलाता है। द आर्ट ऑफ पेंटिंग, इसको ये पेंटिंग का एक कला है, ठीक है ना, द आर्ट ऑफ पेंटिंग, आप ऐसे सरल भाषा में समझिए, ठीक है ना, ऑन वेट प्लास्टर। तो फ्रेस्को का मतलब होता है फ्रेस्को, उसका हिंदी कुछ दूसरा नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या है, आप कौन से प्लास्टर पर पेंटिंग करते हैं, तो वेट प्लास्टर पर जो पेंटिंग होता है ना, वो फ्रेस्को कहलाता है। ठीक है ना, तो फ्रेस्को का भी मतलब होता है, फ्रेस्को का मतलब, फ्रेस्को एक टाइप का ये पेंटिंग है, ठीक है ना, इसको मतलब आप फ्रेस्को ही समझिए, इसका कोई खास हिंदी अलग से कोई हिंदी नहीं है, फ्रेस्को मीन्स फ्रेस्को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला वर्ड गैट। गैट क्या होता है, अब हम लोग जी में आ गए हैं, अभी तक हम लोग एफ में थे, अब हम लोग जी में आ गए हैं। गैट, गैट का मतलब क्या होता है? चलने का तरीका। देखिए जो चलने का तरीका होता है ना, आप चलते कैसे हैं, तो आप गैट है, आपका जो चलने का जो चाल होता है ना, वो गैट कहलाता है। इसको कैसे लिखेंगे? द वे ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका, जो चलने का तरीका होता है ये गैट कहलाता है। जैसे कि किसी का बिल्ली की चाल हमको कहना है बिल्ली की चाल, किसी का चाल जो है ना, लगता है कि बिल्ली जैसे वो चल रहा है, जैसे बिल्ली चलती है।
हमको बिल्ली की चाल कहना है। अब बिल्ली की चाल के लिए जो वर्ड होंगे वो क्या होंगे, बिल्ली से संबंधित। इसके लिए एक वर्ड है वो फेलाइन, फेलाइन का संबंध बिल्ली से है, ठीक है ना। और चाल के लिए क्या हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं, गैट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट में, फेलाइन गैट। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे। देखिए ये जितने भी वन वर्ड हैं आपको या तो ये पूछे जा चुके हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं, आप ऐसे समझिए, या इनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे डेली यूजेज में आने वाले वर्ड, इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि अनावश्यक आपको बताया जा रहा है। चलिए अब लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाला, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाला। गाला का मतलब क्या होता है, ये अक्सर आपको पेपर वगैरह में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। चलिए पब्लिक इंटरटेनमेंट जो होता है ना वो गाला होता है, इसको आप ऐसे समझिए, इसको तोड़ को लिखे तो पब्लिक इंटरटेनमेंट जो होता है ना, जिसमें लोग मौज मस्ती करते हैं, ये गाला कहलाता है, ठीक है ना। गाला का मतलब होता है कि लोगों द्वारा किया जाने वाला मौज मस्ती, लोगों द्वारा किया जाने वाला जो मौज मस्ती होता है ना, ये कहलाता है गाला। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो हमारा अगला वर्ड गैलोस। देखिए गैलोस क्या होता है, गैलोस वो तख्ता होता है, आप ऐसे समझिए। गैलोस क्या होता है ना, वो गैलोस एक तख्ता होता है, ठीक है ना, जिसको जिस पर फांसी दे दिया जाता है, ठीक है ना। गैलोस क्या होता है, एक तख्ता होता है, फांसी का तख्ता। स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है काठ का या किसी चीज का हो सकता है स्ट्रक्चर। इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, ऑन विच पीपल, ठीक है ना, आर किल्ड बाई हैंगिंग। तो इसको आप ऐसे समझिए, फांसी का जो तख्ता होता है वो गैलोस होता है, फांसी का जो तख्ता होता है वो गैलोस होता है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स है। देखिए एक होता है गैरोट। गैरोट में क्या होता है कि लोगों को मार दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब गला में ना ऐसे वायर लगा करके, तार लगा करके जो खींच दिया जाता है ना, वो गैरोट कहलाता है। गैरोट का मतलब हम कैसे लिखेंगे, टू किल। इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, टू किल अ पर्सन बाई ना वायर, ठीक है ना। वो क्या होता है बाई, इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, बाई बाई पुटिंग वायर अराउंड द नेक, बाई पुटिंग वायर अराउंड द नेक, ठीक है ना। तो गैरोट का मतलब आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। आप कोई वायर या कोई वायर जैसा कोई चीज आप गला के अंदर चारों तरफ से ऐसे करके जो खींच देते हैं और व्यक्ति मर जाता है, तो इसको कहते हैं गैरोट। इसका हिंदी क्या होता है, अगर इसका हिंदी लिखे तो गला घोंटना, है ना, तार से, ठीक है ना, ऐसा होता है। स्मॉदर क्या होता है, इसी तरह से एक रिलेटेड वर्ड ले लेते हैं। स्मॉदर क्या होता है, देखिए स्मॉदर एक रिलेटेड वर्ड है, इसी से जुड़ा हुआ, इसको रिलेटेड वर्ड मान के चलिए, अलग अलग से भी ये वन वर्ड का काम कर सकता है। स्मॉदर को कैसे लिखेंगे, टू किल ए पर्सन, आप किसी पर्सन को मार देते हैं, उसके ऊपर तकिया रख देते हैं, कोई कपड़ा रख देते हैं, और तकिया या कपड़ा से चेहरे को ढक करके जो मार देते हैं, तो आप स्मोदर करते हैं। स्मोदर को कैसे लिखेंगे, टू किल ए पर्सन बाई कवरिंग फेस, चेहरा ढक करके जो मार देते हैं ना, बाई कवरिंग फेस, ठीक है ना। तो ये होता है स्मोदर होता है। इसका हिंदी क्या लिखेंगे, दम घोट कर मारना, दम घोट कर मारना जो होता है ना, वह स्मोदर होता है। चलिए अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो हमारा ये क्लियर है, गैरोट और स्मोदर। गैरोट में वायर जैसा कोई चीज लगाया जाएगा, और स्मोदर में कोई कपड़ा, कोई तकिया जैसा कोई चीज होगा जो चेहरे पर ढक करके उसको मार दिया जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं 27 नंबर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं। चलिए हमारा अगला वर्ड है ग्रेफिटी। देखिए ग्रेफिटी क्या होता है, थोड़ा ग्रेफिटी को समझ। देखिए राइटिंग आप ऐसे समझिए, या ड्राइंग, या तो आप लिखेंगे या तो चित्र खींचेंगे ऑन ए वॉल,
देखते दीवार पर जो पेंटिंग किया जाता है या दीवार पर कुछ लिखा जाता है जो अच्छा चीज होता है तो वो ग्रेफिटी होता है। दीवार पर लिखा गया पेंटिंग या लिखावट, दीवार पर किया गया पेंटिंग अथवा लिखावट को हम लोग ग्रेफिटी कहते हैं। या लिखावट को हम लोग ग्रेफिटी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बात को हम लोग बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं। अब आप इसको अंत तक देखिए, इनको कॉपी पर नोट कर लीजिए। एक बार नोट कर लेने से सारी बात याद हो जाएगी। देखिए एक वर्ड है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? देखिए किसी जानवर का या किसी पेड़ पौधे का जो नेचुरल आवास होता है ना, वो हैबिटेट होता है। कोई भी जानवर या कोई भी पेड़ पौधा हर जगह नहीं रह सकता है, उसका एक प्राकृतिक आवास होता है और उस प्राकृतिक आवास को ना हम लोग हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट को कैसे तोड़ के लिखेंगे? नेचुरल, है ना, इसको तोड़ के लिखना है तो कैसे लिखेंगे? नेचुरल होम ऑफ, ठीक है ना, एन एनिमल या प्लांट, एन एनिमल, चलिए इसको ऑफ एन एनिमल या प्लांट के जो नेचुरल होम होते हैं ना, प्राकृतिक आवास, उसको हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट का हिंदी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आवास। हैबिटेट का हिंदी हो जाएगा प्राकृतिक आवास। ये किसी जानवर का होगा या किसी प्लांट का होगा, ठीक है ना। जैसे कि कहें कि रण ऑफ कच्छ, है ना, रण ऑफ कच्छ, आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो आपको ऐसे पढ़ने को मिलेगा, इज अ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस, जंगली गधों का जो प्राकृतिक आवास भारत में कहाँ है, तो वो है रण ऑफ कच्छ, है ना, कच्छ के रण जो है ना वो एस का प्राकृतिक आवास है। चलिए तो ये हमारा हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा। चलिए 29 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए हैकनिड, कोई चीज हैकनिड है तो क्या है, पहले आप ऐसे समझे, कोई चीज हैकनिड है तो इसका मतलब है कि वो घिसी पीटी बातें हैं, ठीक है ना। बहुत देखिए कोई चीज बहुत ज्यादा अगर यूज कर लिया जाए ना तो फिर उस बाद में ना चल को बोरिंग लगने लगता है। आप एक ही तरह की चीज अगर आप रोज रोज करते हैं आगे चलकर के वो आपके लिए बोरिंग फील होता है। तो इसको हम कैसे तोड़ के लिखेंगे? यूज्ड टू ऑफन, आप बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं, एंड देयरफॉर, और इसलिए, एंड देयरफॉर बोरिंग, इसलिए वो चीज बोरिंग हो जाता है, ठीक है ना। इसको अगर तोड़ के लिखे तो इसका हिंदी होता है घिसा पीटा। घिसा पीटा क्या चीज होता है? बहुत ज्यादा यूज कर लेने के बाद वो चीज घिसा पीटा हो जाता है। जैसे कि अगर हमको हिंदी में कहना है, देखिए घिसी पीटी बातें, अगर हमको कहना है घिसी पीटी बातें, इसको अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वो बातें जो बहुत बार कहा गया है, अब उसमें कोई खास बात नहीं है, तो उस बात को कौन सी बात कहेंगे? हैकनिड फ्रेजेस, है ना, उसको कहते हैं हैकनिड फ्रेजेस, ये है घिसी पीटी बातें। चलिए तो यह हैकनिड क्लियर है। यदि कोई चीज हैकनिड है तो इसका मतलब है कि उसका बहुत ज्यादा टू ऑफ इन यूज हुआ है और इसलिए अब वो बोरिंग हो गया है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, और ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना कभी ये पूछे जा चुके हैं। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी ये बहुत यूज होते हैं, इनसे फिल इन द ब्लैंक्स का भी आप आशा कर सकते हैं। ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हगार्ड, हमारा अगला जो वर्ड है वह है हगार्ड। हगार्ड क्या होता है? देखिए हगार्ड का मतलब है कि आप नींद नहीं लिए हैं और इसके कारण आप थके थके लग रहे हैं, तो नींद के अभाव के कारण जो थकावट होता है ना वो होता है हगार्ड। हगार्ड का मतलब वो थका हुआ, आप थके क्यों हैं? क्योंकि आपने नींद नहीं लिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे? लुकिंग एक्सट्रीमली टायर्ड because of lack of sleep, ठीक है ना। तो हगार्ड का हिंदी क्या लिखेंगे? थका हुआ, थका मांदा, कभी आपने हिंदी सुना होगा थका मांदा का अंग्रेजी यही होता है, ठीक है ना। हगार्ड, आप थके हुए हैं और इसलिए क्योंकि आपको नींद नहीं मिला है। तो हगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 31 की ओर, देखते हैं कि हमारा 31 हमारा वर्ड क्या है। हेफ्ट क्या होता है? देखिए हेफ्ट क्या मतलब होता है? जो छुरी का जो हैंडल होता है ना उसको हेफ्ट कहते हैं। द हैंडल ऑफ ए नाइफ, जो नाइफ है ना, इसको आप ऐसे समझिए
छुरी का हैंडल को ना हम हैफ्ट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हायरार्की क्या होता है, पहले आप ऐसा समझिए हायरार्की क्या होता है। देखिए जो पदों का जो समूह होता है ना, पदों का जो क्रम होता है ना, वो हायरार्की होता है। जैसे कि देखिए भारत में अगर अगर आप आइएगा तो भारत के अगर ऑफिसर्स की बात कीजिएगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति ऐसा पढ़ना है पॉलिटी में, इसके बाद उपराष्ट्रपति, इसके बाद प्रधानमंत्री। तो ये क्या है, देखिए पोस्ट का ग्रेडिंग है ना, पहले पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और इसी तरह से बात आगे की ओर चलता जाएगा। तो इसको जो ग्रेडिंग ऑफ पोस्ट होता है ना, पोस्ट की ग्रेडिंग कर रहे हैं, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री। तो ये क्या है, ये हायरार्की है, ठीक है ना। हायरार्की को तोड़ करके मैं यहां समझाने की कोशिश किया हूं, कैसे लिखेंगे इसको तोड़ के लिखना होगा, तो ग्रेडिंग। अब इसको हम समझ सकते हैं ग्रेडिंग ऑफ पोस्ट, सारे को हटा दिया मैं। चलिए अब हम इसको समझेंगे ग्रेडिंग ऑफ पोस्ट। ग्रेडिंग ऑफ पोस्ट को कहते हैं ना हायरार्की, इसका उच्चारण करेंगे हायरार्की, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे हायरार्की, ठीक है ना। ग्रेडिंग ऑफ पोस्ट इसका हिंदी होता, अगर हिंदी की बात करें तो पद सोपान, सोपान मतलब सीढ़ी। चलिए तो ये हमारा हायरार्की रहा। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, तो हसमनी देखते हैं कि हसमनी क्या होता है। देखिए ये वैसा पैसा होता है, ठीक है ना। हसमनी कैसा पैसा होता है, जो किसी राज को छुपाने के लिए दिया जाता है। एक इडियम भी है और ये वन वर्ड में भी काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है, समझिए कि आपके लिए एकदम जबरदस्त काम करेंगे। तो चलिए हसमनी क्या होता है, द मनी, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, द मनी गिवेन टू, गिवेन टू कीप ए सीक्रेट, कीप अ सीक्रेट, ठीक है ना। चलिए किसी बात को राज रखने के लिए है ना, राज रखने के लिए दिया गया पैसा, राज रखने के लिए दिया गया पैसा क्या कहलाता है, हसमनी, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं हसमनी। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, नंबर 34 में आते हैं। देखिए आइडोलेट्री क्या होता है, आइडोल का मतलब होता है मूर्ति, ठीक है ना, और लैट्री का मतलब होता है ये प्रथा हो गया, मूर्ति पूजा। आइडोलेट्री को कैसे लिखेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ, तोड़ के कैसे लिखेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग, ठीक है ना, आइडोल्स, आइडोल्स मूर्ति पूजा करने की जो प्रथा होती है ये आइडोलेट्री होती है, ठीक है ना। तो आइडोलेट्री का मतलब अगर सिंपल अगर हिंदी में कहें तो मूर्ति पूजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं आइडोलेट्री। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनकॉग्निटो देखते हैं, इनकॉग्निटो क्या होता है। चलिए इनकॉग्निटो देखिए, इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आप करते हैं और अपना आप पहचान छिपा लेते हैं, आप पहचान छिपा करके काम करते हैं है ना, आप अपनी पहचान को प्रकट नहीं करते हैं, इनकॉग्निटो। देखिएगा सेलफोन में जब आप यूज करते हैं ना तो एक जगह आता है इनकॉग्निटो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये जो डेटा है या ये जो भी टाइप आप किए हैं ये लोगों को विजिबल नहीं होगा, ये छिपा हुआ रहेगा, केवल इसको सर्विस प्रोवाइडर ही इसको जानेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, और अगर वो इनकॉग्निटो अगर फाइल पर आप जाते हैं तो इसका मतलब है कि आम लोग इसको, आम लोगों के लिए विजिबल नहीं होगा। तो यदि कोई चीज अगर आप इनकॉग्निटो करते हैं तो आप छिपा करके करते हैं, इन ए डिस्गाइज्ड फॉर्म, इसको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे, इन ए डिस्गाइज्ड फॉर्म, इन ए डिस्गाइज्ड फॉर्म। जैसे कि देखिए कोई सेलिब्रिटी होते हैं, कोई बहुत फेमस लोग होता है, तो वो कैसे घूमता फिरता है, अगर अपना पहचान अगर मुंह खोल के घूमेगा या उसका जो वास्तविक फिगर अगर उसको लेके घूमेगा तो भीड़ लग जाएंगे। तो अपना पहचान छिपा करके घूमते हैं, चेहरा बदल के घूमते हैं, ठीक है ना। हम कैसे लिखते हैं इसको, अगर लिखेंगे तो मूवी, मूवी स्टार्स, जो मूवी स्टार्स हैं, ट्रैवल, ये कैसे घूमते, अपना पहचान छिपा के ना घूमते हैं, ट्रैवल इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो, है ना। यही था ना अनिल कपूर उस फिल्म का क्या नाम था जिसमें कि सरदार अपने आप को बना लिया था और वो घूम रहा था, तो वो कैसे घूम रहा था, वो इनकॉग्निटो घूम रहा था, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब होता है छिपा हुआ। इनकॉग्निटो का हिंदी क्या होता है, अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है छिपा हुआ। चलिए आते हैं नंबर 36 की ओर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वन वर्ड आपके लिए है। देखिए इंटरल्यूड क्या होता है, उसके पहले आते इनक्रेडिबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
देखिए, यदि कोई चीज यदि इनक्रेडिबल है, इसका मतलब है कि उसको विश्वास करना कठिन, अविश्वसनीय। अगर कोई चीज अगर अविश्वसनीय है तो वो इनक्रेडिबल है, ठीक है ना, जिसको विश्वास करना मुश्किल हो, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, डिफिकल्ट टू बिलीव। यदि कोई चीज यदि आप कह रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है, यानी कि वो कौन सी बात है, वो इनक्रेडिबल बात है। डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसे विश्वास करना कठिन हो, इसका जो शुद्ध हिंदी होगा वो होगा अविश्वसनीय। कोई भी मैटर ऐसा हो सकता है। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 37 की ओर। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स है। इंटरल्यूड, देखिए इंटरल्यूड क्या होता है, थोड़ा सा इंटरल्यूड को हम लोग देखते हैं। इंटरल्यूड किसे कहते हैं, देखिए इंटर मतलब होता है बीच में, आप इसके रूट पर जाइए, इंटर मतलब होता है बीच में। इंटरल्यूड का मतलब क्या होता है कि दो घटना के बीच की जो घटना होती है, मान लीजिए घटना ए हुआ, इसके बाद घटना बी हुआ, लेकिन थोड़ा समय के बाद घटना बी हुआ, तो ये जो बीच का जो समय है, ठीक है ना, जो घटना ए और घटना बी के बीच का जो समय है ना, ये कहलाएगा इंटरल्यूड, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे इंटरल्यूड। ये जो समय होगा ना, जो दो घटना के बीच का होगा, वो होगा इंटरल्यूड होगा, ठीक है। इंटर मतलब होता है बीच में। तो इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स है। ए पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स ये कहलाएंगे इंटरल्यूड, ठीक है ना, दो घटनाओं के बीच का समय, दो घटनाओं के ये जो बीच का जो समय होता है ना, ये कहलाता है इंटरल्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि और भी अच्छा वर्ड है, ये सीपीओ में आ भी चुका है, एक वर्ड है जेटीसन। देखिए जेटीसन का मतलब क्या होता है, देखिए जब जहाज डूबने लगता है, ठीक है ना, तो जहाज को डूबने से बचाने के लिए जहाज पे जो लदे सामान होते हैं ना, उसको फेंकना शुरू किया जाता है, या जहाज का ईंधन थोड़ा सा हटाया जाता है, खाली किया जाता है, ताकि जहाज हल्का हो जाए और डूबने से बच जाए, क्योंकि जहाज को बचाना सबसे ज्यादा प्राथमिकता की चीज होती है। तो जेटीसन का मतलब क्या होता है, टू थ्रो समथिंग, ठीक है ना, टू थ्रो समथिंग, कुछ फेंकना, कुछ भी फेंकते हैं आप, ठीक है ना, टू थ्रो समथिंग, टू थ्रो समथिंग आउट ऑफ शिप या प्लेन। अब जहाज से उतार करके कुछ भी फेंकते हैं ताकि जहाज को डूबने से बचाया जा सके या प्लेन को उलटने से बचाया जा सके, तो वो जेटीसन होता है। जेटीसन का मतलब होता है ना फेंकना, है ना, लेकिन ये फेंकना कहां से, तो जहाज से, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज अगर आप जेटीसन करते हैं, यानी कि आप उसको फेंकते हैं जहाज को हल्का करने के लिए या प्लेन को हल्का करने के लिए, ताकि जहाज ना डूबे या प्लेन ना, मतलब कि नीचे आ जाए। तो चलिए ये हम लोग किया भी जेटीसन, आते हैं 39 की तरफ। देखिए ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब हमारा अगला वर्ड है जिंक्स। देखिए जिंक्स क्या होता है, जिंक्स एक ऐसा चीज होता है जो व्यक्ति मानता है ना कि उसके लिए बैड लक लाता है। जिंक्स का मतलब आप ऐसा समझिए कि कोई मनहूस चीज को ना जिंक्स कहते हैं। ये बैड लक लाने वाला चीज होता है, लोग ऐसा मानता है कि ये बैड लक लाएगा, ठीक है ना। ए पर्सन और थिंग, कैसे इसको तोड़ के लिखेंगे, ए पर्सन या थिंग, ठीक है ना, दैट इज सपोज्ड, जिसको माना जाता है सपोज्ड टू ब्रिंग बैड लक, है ना। बैड लक जो होता है ना, जो बैड लक लाए, ऐसा चीज होता है या पर्सन होता है जिसको माना जाता है ना कि ये जो चीज होगा ये बैड लक लाएगा, इसको आप समझिए मनहूस, ठीक है ना। मनहूस का अंग्रेजी क्या होता है, जिंक्स होता है। जैसे कि देखिए एक स्टेडियम में, एक पिच पर भारतीय टीम हमेशा हारती है, जब खेलेगी हारेगी, तो वो जो पर्टिकुलर जो पिच होगा या पर्टिकुलर स्टेडियम होगा, वो भारतीय टीम के लिए क्या होगा, जिंक्स होगा, ठीक है ना, उसको जिंक्स कहते हैं। चलिए और इसका अपोजिट क्या होगा, एक वैसा चीज जो कि गुड लक लाएगा, तो मास्कोट। मास्कोट क्या होता है, शुभंकर, इसको कहते हैं ना शुभंकर। ये क्या होता है ना, किसी गेम में ना मास्कोट ये किया जाता है, ठीक है ना। मास्कोट का मतलब होता है शुभंकर, जो कि गुड लक लाए, मास्कोट गुड लक लाएगा, और जिंक्स क्या होगा, वो बैड लक लाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो वर्ड है वह है जुबिनाइल। देखिए जुबिनाइल का मतलब क्या होता है, जिसका संबंध किशोरों से हो, ठीक है ना, जो किशोरों से जुड़े होते हैं वो जुबिनाइल होते हैं। जैसे देखिए जुबिनाइल क्राइम, आजकल जुबिनाइल क्राइम जो है ना बहुत बढ़ गया है ना। जुबिनाइल क्राइम के लिए एक वर्ड है डेलिंक्वेंसी।
जुवेनाइल क्राइम इन दिनों बहुत बढ़ गए हैं, कम उम्र के लोग अपराध कर रहे हैं, जुवेनाइल प्रिजन भी होते हैं। तो जुवेनाइल का संबंध किससे है? जुवेनाइल का संबंध है एडोलसेंट से है, कनेक्टेड विथ, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, कनेक्टेड विथ एडोलसेंट्स, एडोलसेंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है किशोर से संबंधित, किशोर से संबंधित ऐसा कुछ भी हो सकता है। चलिए तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन इतना रहा, इसमें हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखा है। ये वर्ड्स आपके लिए केवल वन वर्ड ही नहीं, आपके लिए कई तरह के फायदे लाएंगे, आपके सिनो एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो है ही है, फिल इन द ब्लैंक्स और कई तरह के वाक्यों को समझने में आपको मदद करेंगे, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। आपको वर्ड पावर अच्छा रखना है, आप चाहे जिस विधि से अच्छा रखें, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऐसे समझ लीजिए इसके बिना अंग्रेजी को ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो आज की बात बस इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें अगर कुछ अगर आपको अगर अपनी राय देना हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वेरी मच।